मेरे को पसंद नहीं है ना, मेरे को पसंद नहीं है ना यार, मेरे को पसंद नहीं है ना। आप तो मैं देखो, मैं आपकी मर्ज़ी। आज हम खाएंगे महंगी वाली मिठाई, मतलब काजू कतली, जो कि भाभी के भाई ने भेजी है। ये देखिए, फोन कौन चलाता है दीदी? सुबह सुबह कौन फोन छूता है? अरे घर में। नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम, आदाब, सुप्रभात, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा सा हिंदुस्तान। आई होप आप लोगों को बढ़िया, मस्त और स्वस्थ, और आपकी ज्योति भी हमेशा की तरह, कभी कभार की तरह बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है फिलहाल के लिए। ओके, फिलहाल के लिए। तो अभी सुबह सुबह आपकी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 7:15 में, और भाभी ने चाय तैयार कर दी है और मेरा झाड़ू भी लग गया। यार क्या बात, आज इतने जल्दी लग गया। तो अब लेंगे हम चाय की चुस्की का मजा विद जेठानी जी और प्यारी प्यारी चाय। गुड मॉर्निंग गाइज। ये कुछ बोलने वाली थी बट आ गई फिर से। गाइज झाड़ू से लगा है ना, डांट खाई है, डांट पापा के हाथ से। ज्योति सुबह सुबह फोन कौन चलाता है? ज्योति सुबह सुबह कौन फोन छूता है? हाँ अरे घर में की सफाई कर लो पहले। मैंने कहा पापा को क्या पता, ब्लॉगर भी यहाँ अवेलेबल है, उनको भी एडिटिंग करनी होती है। पापा को क्या पता मेरी जिंदगी कितनी व्यस्त है, बट इस व्यस्त भरी जिंदगी में मैं तब भी घर का काम कर लेती हूँ। पर कोई ना यार, पापा की डांट तो प्यारी ही होती है, पापा की डांट और प्यार दोनों ही प्यारी होता है। ठीक है, तो मुझे अच्छा ही लगा। अब मैं ना डर डर के व्लॉगिंग करती हूँ सुबह के टाइम पे। ठीक है, तो पापा है, उससे पहले मैं चाय पीने लग जाती। पापा ने अगर मुझे फ़ोन के साथ देखा ना, पता नहीं क्या ही होगा, दोबारा दूसरी बार डांट खाऊंगी आज। मेरा ना सारा का सारा काम हो चुका है फिनिश, झाड़ू हो चुका है, पोछा हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि ना मुझे हॉस्पिटल जाना है, इसीलिए नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी मैं ब्रेकफास्ट। अभी आज क्या बना रही हूँ खाने में? ये क्या बन रहा है इसमें? इसमें दलिया है। दलिया? अच्छा, इसमें दलिया और इसमें है बैगन की सब्जी। बाप रे, चमका के नहीं, लाइट लगा के नहीं दिखाई ना मैंने सब्जी। ये देखिए दोस्तों, बैगन की सब्जी जो कि अम्मा की है फेवरेट, साथ ही साथ भाभी ने आटा भी गूंथ दिया है। ओह माय गॉड, किस चीज़ का? कड़ी पत्ता का। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रही हो आप, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। तो फ्रेंड्स, मैंने नहा भी लिया और साथ ही साथ अपने और अम्मा के भी कपड़े धो दिए। तो अब मैं इसके बाद करूँगी ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम निकलेंगे हॉस्पिटल को। जैसे कि आपको पता है कि इश्की की ना आँखों का चेकअप हमें हर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद कराना ही होता है। तो मैंने कहा कि उसके पापा भी आए हैं और 6 महीने बाद हमें उसके आई विज़न भी चेक कराना होता है। तो आज हम दृष्टि को दृष्टि में दिखाएंगे। इससे पहले हमने IQ में दिखाया था, बट सब बोल रहे हैं कि हाँ दृष्टि हल्द्वानी का बेस्ट हॉस्पिटल है। तो हम सोचे कि इश्की ये एक बार ना आँख दृष्टि में दिखा देते और वहाँ पे साथ ही साथ विज़न भी चेक हो जाएगा कि उसका विज़न सही है या नहीं है। तो पता नहीं, जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ थोड़ा बहुत तो डर लगा ही रहता है कि सब कुछ सही होगा या नहीं होगा, बट पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है और मुझे पक्का भरोसा है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। तो पर क्या करूँ यार, माँ का दिल है, थोड़ा बहुत टेंशन में आ ही जाता है, बट टेंशन को मारो गोली और पॉजिटिव दिमाग से जाओ। और साथ ही साथ मैं आज अपनी भी आई चेकअप कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि ना ज़्यादा एडिटिंग कर करके मेरी आँखों की रोशनी भी थोड़ी सी कम हो गई है। तो क्या पता मैं अपनी भी आँख चेक कराऊँ आज। फर्स्ट तो पहले इश्की का जैसा होगा उसके बाद ही मैं अपनी आँख चेक कराऊँगी, क्योंकि हिम्मत चाहिए होती ना। तो छोड़ो 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 छोड़ो, ऐसी बातें नहीं करते, अच्छी बातें करते। तो अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर जाएंगे हम हॉस्पिटल और सब कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। ओके, तो फ्रेंड्स प्लान में कुछ चेंजेस आ चुके हैं। तो पहले हम पहले हॉस्पिटल जा रहे थे जान, मैं और इश्की, अब भाभी और भाग्यश्री भी हॉस्पिटल आ रहे, क्योंकि भाग्यश्री को भी दिखाना है हॉस्पिटल में, क्योंकि ना उसका हमेशा पेट का प्रॉब्लम रहता है। तो हम भाग्यश्री को दिखाएंगे श्रीराम हॉस्पिटल जो हल्द्वानी का है, क्योंकि ना भाग्यश्री को क्या होता है ना, पेट में प्रॉब्लम होती है, तो हमेशा महीने में ना 1 या 2 हफ्ते तो उसके
ये मुंह में छाले रहते, तो हम सोच रहे हैं आज उसका फुल बॉडी चेकअप कराएं, साथ ही साथ इश्की की तो आंख दिखानी है, तो एक साथ दो दो काम हो जाएंगे हमेशा की तरह। जल्दी बैठो, जल्दी भाग्यश्री, हाँ आप बैठो, दोनों दोनों आ रहे हो ना एक साथ, ठीक है चलो। फ्रेंड्स हमने इश्की की आंखें दिखा दी है, अब हम जा रहे हैं श्रीराम हॉस्पिटल में भाभी लोग को पिक करने के लिए, क्योंकि ना हमारा अपॉइंटमेंट था दृष्टि में, तो वहां तो अच्छे से चेकअप हो गया है, अब भाभी लोग का देखते हैं कि उनका चेकअप कहां तक पहुंचा है, फिर नहीं तो उसके बाद सीधे घर निकलेंगे उसके बाद। तो अभी तो हम ठंडी रोड में, देखिए तो जान ने यहीं पर गाड़ी पार्क करी थी, मार्केट में ना सच में यार पार्किंग की जगह नहीं मिलती, तो हमने ठंडी रोड में पार्क करी थी, और दुर्गा सिटी सेंटर में है दृष्टि, तो हम कितना पैदल चल के आए होंगे। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं हॉस्पिटल से, भाभी को भी हमने पिक कर लिया है, अभी देखिए भाग्यश्री की अभी भी तबीयत डाउन हो रखी है, तो भाग्यश्री को ना बहुत सारा बुखार आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, तो उसका आ रहा है और जा रहा है, साथ ही साथ हम अभी लस्सी पी रहे हैं कपिलास की, और इसका मुँह देखिए इस बंदर का, बंदर इसको दोनों चीज़ भाभी का दिखा मुंह, भाभी का ठीक ही हो रहा है, साफ कर दिया, इसकी का बेकार हो रहा है, इसकी तो बिल्कुल काना बन गई। दीदी को क्या हुआ है, की बुखार सही हो जाएगी? हाँ दीदी ठीक है। तो फ्रेंड लस्सी उतनी खास नहीं है कपिलास की, इससे अच्छी ना मार्केट में होती है मटर गली में, बट कपिलास की लस्सी तो मुझे अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड्स अभी ना 5 बजने वाला है और मौसम खराब हो रहा है, तो सबसे पहले मैं कपड़े उठा लेती हूँ। देखिए जॉइंट फैमिली में रहने का कितना फ़ायदा है, ऑलरेडी किसी ना किसी ने कपड़े उठा दिए, भाभी ने उठाए होंगे या अम्मा ने उठाए होंगे, क्योंकि ना मम्मी और पापा घर में नहीं है, मम्मी और पापा गए कुसुम खेड़ा मम्मी के दांत दिखाने के लिए, तो भाभी या अम्मा ही हो सकते हैं। तो बट मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हॉस्पिटल से आने के बाद ना हमने खाना खाया फिर हम सो गए थे, बट मैं तो कोई नींद ही नहीं आई आज, मैं बस लेटी थी, बस कुछ ना कुछ सोच रही थी आज, आज ना फ़ोन चलाने का मन नहीं कर रहा था, बस कुछ ना कुछ सोचने में लगी थी। तो देखिए बादल गरजने लग गए, लगता है बरसने का टाइम भी आ गया है, थोड़ा सा मैं ठंडे से मौसम का मजा लेती हूँ, बहुत ही गर्मी हो रही थी अंदर। दोस्तों रेडी हो चुकी है शाम की चाय, वो भी किसके लिए, मेरी प्यारी सी अम्मा के लिए, साथ ही साथ मेरी जेठानी जी के लिए। आपको मैं जेठानी बोलती तो कैसा लगता है, बहुत ही गंदा है, सच बोलो, आपको जेठानी बोलूं तो कैसा लगेगा बताओ, अच्छा लगेगा, जेठानी हो तो जेठानी तो बोलो, आज से जेठानी बोलूंगी। जेठानी जी चाय पी लीजिए, देवरानी जी पिला दीजिए, मेरे को देवरानी बोलना पसंद ही नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है ना, मेरे को पसंद नहीं है ना यार, मेरे को पसंद नहीं है ना, आप तो मैं देखो मैं आपकी मर्जी का बोल, वैल्यू रखती है आपकी नहीं, हाँ तो मेरी पसंद भी तो वैल्यू रखेंगे, मुझे ज्योति बोलो आप, अम्मा देखो यार मेरे को परेशान कर रही है, ये परेशान कर रही है, ये देखो ना झूठ बोल, अपने मन से कुछ और बात बोल देगी भाभी यार, या अम्मा भाभी ना इतना फायदा उठाती ना कि कहते ज्योति को पहाड़ी बोलनी नहीं आती, तो अम्मा ना ये अब देखना पहाड़ी में ना कुछ और ही बोल देंगी, ये देखना, हाँ बोलो आज आपकी असलियत दिखेगी सबको। दोस्तों इनकी असलियत नहीं दिखानी, वो हम बाद में दिखाएंगे, ठीक है, उसका भी असलियत व्लॉग बनेगा है भाभी, उसका व्लॉग बनेगा असलियत व्लॉग, खा देखा दोस्तों अब दिख रहा मैंने बोला क्या था और इन्हें बोला क्या, समझ में नहीं आया। दोस्तों एक दिन एक अलग से मैं, दोस्तों एक दिन मैं एक ऐसा व्लॉग बनाऊंगी जिस दिन मैं अपनी जेठानी जी की पोल खोलूंगी, असलियत खोलूंगी, वो बनेगा असलियत व्लॉग, वो तो रोज ही खोलती है, वो तो रोज ही खोलती। तो फ्रेंड्स अभी है शाम का समय और पता आपको
यहाँ पे हमारी कॉलोनी में इतना खौफनाक मंजर हो रहा है ना, आप यकीन नहीं करेंगे। आसपास हैं झाड़ियाँ, उसके बीच में हम चल रहे हैं। आपको पता है हमारी कॉलोनी में हो रहा है बाघ का आतंक, पर हम जैसे लो यार बहादुर लोग फिटनेस का इतना ध्यान रखते हैं तभी हम लोग निकले हैं वॉक में। पर डर भी बहुत ज़्यादा है अंदर, बट कोई ना, मेरे साथ मेरी ननंद जो मुझे बचा लेंगी, और साथ में उनके हस्बैंड कहीं भाग गए, वो हैं पीछे दीपक। दीपक की तो हाइट ही इतनी लंबी कि बाघ को चढ़ने में टाइम लगेगा। और मेरी जान भी तो मेरे साथ है। मेरी जान बोलते पहले आपके लिए, फिर इस बाघ के लिए। पहले मैं आपको बचाऊंगा, फिर इश्की को बचाऊंगा कह रहे, और मैं बचा लूंगी। तो फ्रेंड्स अभी बज रहा है 8:30 और मुझे मिल चुका है डिनर। तो डिनर में है पनीर पराठा, ये देखिए पनीर पराठा, और साथ ही साथ है एक रोटी, और ये है कद्दू की सब्जी, और ये है फ्राई राइस। इश्की आपको भी फ्राई राइस खाना है, मिर्ची इसमें, मिर्ची 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 है बिट्टू, टेस्ट कर लो, टेस्ट कर लो, पता चल जाएगा मिर्ची है या नहीं है। टेस्ट करो, है मिर्ची नहीं है, खाना है आपको मिर्ची। और भाभी भी नीचे बैठ चुकी है खाने के लिए, अम्मा ने खाना खा लिया है और जान ने भी खाना खा लिया है। आ रही हूँ आ रही हूँ, मेरे बिना तो आप खा ही नहीं पाओगे। वहाँ जयश्री खाना खा रही है और मम्मी पापा गए हैं वॉक में। ये भाभी मेरा खाना छोड़ के ले गई है, इसकी मेरा फ्राई राइस, मेरा फ्राई राइस। तो फ्रेंड्स हमारा ना डिनर भी हो गया, और डिनर के साथ साथ ये देखिए बर्तन भी धुल गए, और देखिए मेरा कपड़ा भी गीला हो गया। और किस किस के साथ ऐसा होता है कि बर्तन धोते वक्त कपड़े गीले हो जाते हैं? मुझे हाँ गाइस आपसे पूछ रही, मेरे साथ खुद होता है रोज, पता गाइस मेरी थर्ड जोड़ी कपड़े हैं, थर्ड जोड़ी। तो फ्रेंड्स अभी ना आपको पता है, जय श्री यार, ये बच्चे ना मेरी जिंदगी में ना इतना हल्ला गुल्ला है ना क्या ही बोलूं। तो फ्रेंड्स आज हम खाएंगे महंगी वाली मिठाई, मतलब काजू कतली, जो कि भाभी के भाई ने भेजी है। ये देखिए ये भेजी है भाभी के भाई ने, ये है रक्षाबंधन का गिफ्ट है ना भाभी। अब भाभी देखना कैसे बोलेगी, मुझे पता है आप और बोलवाए थे, आप बोलवाए थे, ये यही नहीं है, एक सूट भी दे रखा है, चॉकलेट भी दी है। मैं बोल रही गाइस आपको कंफ्यूजन होगा कि ये मेरे कौन से भाई ने भेजा है ना, और सबको लगेगा कि हिमांशु ने भेजा है। तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, हिमांशु ने नहीं भेजा है, मेरा भाई ने हिमांशु उसे नहीं भेजा है, मतलब चाचा के बेटे ने भेजा है, मेरे चाचा के बेटे ने जी। एक चाचा का बेटा मेरा हल्द्वानी रहता है, उसने जो रक्षाबंधन बनाया था वो नहीं, एक दूसरा है मेरे चाचा का बेटा, वो है बेंगलोर में, उसने भेजा है। तो जब भी आप बैंगलोर जाएं तो भाभी के भाई से मिल लें, क्योंकि इन्हें इतनी बड़ी कहानी तो सुना दी, तो आप भी मिल लेना इनके भाई से अगर आप बैंगलोर जाओगे। अब मैं क्लियर कर रही हूँ ना आपको, हाँ तो बता दिया ना, कैसे कैसे मजाक मजाक नहीं था यार इसमें, देख लो कैसे मजाक में आ गया, देख लो ऐसे करते हैं मेरे को कुछ बोलने में लगता है ना। और दोस्तों ये देखिए, ये देखिए इतनी महंगी मिठाई खाई जा रही है हमारे घर में, दोस्तों हमारे तो दिन बदल रहे दिन, बहुत टेस्टी हो रही है, बहुत ज्यादा यम्मी। तो दोस्तों यहीं पे मिठाई के साथ ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, अगर आपका आज का ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।